दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड आज आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जॉस्ट 18 इंची क्रोमटन की जो एग्जॉस्ट मोटर है उसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लिया है हमने। सबसे फर्स्ट में हम मोटर में पेपर डालने के बाद में स्लीव या कोई वायर लेकर आपको जिस जिस स्लॉट में कॉइल डालना है उस टाइप से घुमाकर नाप ले लें। सेट वाइंडिंग करना है या फिर लंबी कॉइल डालना है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखी इमाइड कंपनी का वायर लिया है, एल्युमिनियम 24 नंबर का वायर है दोस्तों। ये वायर की रील को हमने रख दिया है नीचे। ये हमारा जो कोइल मशीन है उस पर छोटे बड़े फरमे वाला सेट लगा हुआ है, तो 6 इंच पर हमने इसको सेट कर लिया है। दोस्तों इस मोटर में हम दो दो कोइल के जॉइंट लेस सेट डालने वाले हैं जिसके लिए रीडिंग को 0 कर लिया फर्स्ट में हमने। ये जो डाटा है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने आपको मोटर का निकाल कर दिखाया था, इसी डाटा के हिसाब से हम टर्न डालेंगे दोस्तों। फर्स्ट में सबसे छोटी कॉइल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद सेकंड कॉइल, ये थर्ड कॉइल कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों तीनों कॉइलों को अलग अलग किसी वायर के टुकड़े से अलग अलग बांध देंगे ताकि ये मिक्स नहीं हो या फिर फैले नहीं। वायर को काटे बिना इसी पर यहीं से स्टार्ट करेंगे बड़ी कॉइल से। बड़ी कॉइल से स्टार्ट करने के बाद दोस्तों देखिए ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों जो हमारा सिरे आएंगे इस सेट के दो सेट बन गए। छोटी छोटी कॉइल के दो सिरे निकलेंगे। छोटी से स्टार्ट किया है, छोटी पर ही ख़त्म करके एक दो सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं रनिंग के। इसी टाइप से हमने दोस्तों दो दो सेटों के दो सेट बना लिए हैं। 4 सेट हम एक साथ इस पर बना नहीं सकते फर्मे पर। दोस्तों कॉइल डालते वक्त ध्यान रखें वायर छिले नहीं, डैमेज नहीं हो, आराम से कॉइल डलेगी। मशीन पर काफ़ी अच्छी कॉइल बनती है दोस्तों, वाइंडिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, एकदम कंपनी जो रोबोट मशीन होती है उस टाइप की वाइंडिंग आती है। पेपर और सेपरेटर का ध्यान रखें दोस्तों। 36 स्लॉट का जो भी स्टेटर होता है उसमें काफ़ी स्लॉट काफ़ी गहरी आती है तो वायर काफ़ी ईजी डल जाते हैं। तो जो ऊपर से हमको पेपर लगाना है इसमें सेपरेट ऊपर का जो फीमेल पेपर है 10 नंबर यूज करना है ताकि कोई लूज ना रहे। दोस्तों सेट हमने जो डाला है ये 5, 7, 9 में डाल रहे हैं हम इसको। बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़े हुए हैं। एक सेट डल चुका दोस्तों, उसके बाद में हमारा अगला सेट जो कि हमने इसी के साथ जॉइंट लेस बनाया है। दोस्तों कॉइल की सीरीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई कॉइल उल्टी ना डल जाए। जॉइंट लेस यदि आप सेट डालते हैं तो एक सेट आपको उल्टा डालना है तो दूसरा सेट बदल कर सीधा डालना है। ऑटोमेटिक आपका जो कनेक्शन की सीरीज है ओके आएगी।
ये दोस्तों हमारे दो सेट डल चुके हैं रनिंग कॉइल के। देखिए दोस्तों, मोटे गेज में आपको सेट वाइंडिंग ही करनी होती है, क्योंकि लॉन्ग कॉइल यदि हम बनाते हैं तो वायर को घुमाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। इसी टाइप से हमें ये दूसरा सेट है जो दो कोइल का, दो सेट एक साथ बनाए हमने, इसको भी डाल लेंगे दोस्तों। सेम जो पहले हमने दो सेट डाले हैं उसी तरीके से डालना है दोस्तों इसको भी। ये लास्ट का सेट हमारा, दोस्तों चारों सेट डल चुके हैं हमारे। उसके बाद वायरों को फोल्ड करके साइड में लगा देंगे ताकि स्टार्टिंग कॉइल डालते समय हमारे वायर कटे नहीं। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के लिए ध्यान दें, हम इसमें लंबी कॉइल का सेट बनाएंगे। उसके लिए देखिए दोस्तों, हम नाप लिया है जो 6-8-10 में हमने नाप लिया है इसका, 6 में एक बार, 8 में हम दो बार घुमाएंगे कॉइल को। दोस्तों आप इस टाइप से हम स्लीव से ही नाप लेते हैं, ये 10 में एक बार, उसके बाद में यहाँ तक ये कॉइल रहेगी। स्लीव को बाहर निकाल कर सीधा कर जो हमारा दोस्तों वाइंडिंग कोइल वगैरह में आपको हमेशा इसी टाइप का इंच टेप यूज़ करना है, टेलर वाला। ये देखिए दोस्तों, 33.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है। तो दोस्तों हमें फर्मा चेंज करके, जो हमारा सिंपल फर्मा है कूलर की मोटर वाला, उस पर हमने 33.5 इंच पर ये कॉइल बनाई है दोस्तों। टर्न आपको डिवाइड कर लेना है जो कि आपके सेट हैं उसके हिसाब से। दोस्तों इन सेटों को भी आप इसी टाइप से डाल पाएंगे। ये भी हमने जॉइंटलेस बनाया दोस्तों। दोस्तों मोटर के टर्न किस टाइप से आपको डिवाइड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके कॉइल 4 बार डल रही है और टोटल टर्न आपके 450 हो रहे हैं। यदि आपको मान लो कोइल 3 बार डालना है तो आप 450 में 3 का भाग देंगे, उसी हिसाब से जो आपको लंबी कोइल डालना है। यदि आपको मान लो 3 बार डालना है तो 3 का भाग दें, तो 3 बार डालने की आप नाप लेकर उसे कोइल बनाएं। तो इस टाइप से आप सेट वाइंडिंग मोटर को आप लॉन्ग कॉइल में बदल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चारों कॉइल डाल लेनी है हमें स्टार्टिंग की। एक बार, दो बार, एक बार, जो हमारा 10 नंबर पिच है उसमें ऊपर नीचे कॉइल आ जाएंगी एक दूसरी कॉइल की,
दोस्तों मोटर के आरपीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लॉन्ग कॉइल डालें या फिर सेट वाली डालें। बाकी आपको मोटर में ज्वाइंट कम से कम लगाना है, कॉइलों में जितना कम हो सके। तो दोस्तों हमने जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें एक भी ज्वाइंट नहीं दिया है, अब सेपरेटर लगा लेते हैं। सेपरेटर आप दोस्तों पेपर या पीवीसी कोई भी यूज कर सकते हैं। लगाते वक्त ध्यान रखें, पतला पेचकश लगाकर स्टार्टिंग कॉइल को हल्का सा उठाकर इस टाइप से पेपर लगाएं। वायर का ध्यान रखें, कोई भी वायर स्टार्टिंग रनिंग का क्रॉस नहीं रहना चाहिए। सेपरेटर लगाते समय वायर का भी ध्यान रखें, कोई वायर कट ना जाए, स्क्रैच ना हो जाए। तो दोस्तों सेपरेटर लगाने के बाद में धागा मार लेना है हमें। फर्स्ट में धागा दोस्तों आपको कनेक्शन के डिफरेंट साइड मारना है, ताकि हम कनेक्शन करें वायर काटे छीले तो कोई वायर कॉइल का खींचे नहीं, छोटे बड़े वायर नहीं हो दूसरी तरफ से। उसके बाद कनेक्शन वायर सीधे कर कर इधर भी हमें सेपरेटर लगाना होगा। ये दोस्तों यहाँ पे हमारे कनेक्शन ऊपर से रख कर बांधे जाएंगे, जिससे कॉइल पर कनेक्शन की हीट नहीं आए, कॉइल डैमेज नहीं हो, मोटर की लाइफ अच्छी रहे। तो हमने यहाँ पर टेप का यूज किया है, पेपर टेप का। वायरों को दोस्तों आपको जलाना नहीं है, एल्युमिनियम वायर है तो इसको आपको कोई ब्लेड वगैरह की मदद से छील लेना है, छील कर। ये दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का ज्वाइंट है, जो कि एक ही ज्वाइंट इस मोटर के अंदर लगेगा। दोस्तों देखिए, दो सिरे हमारे बचे हैं रनिंग के, जो हमारे बाहर निकल जाएंगे। यदि आपको तीन वायर निकालने हैं तो बीच बीच के जो वायर हैं उन दोनों को एक कर देंगे, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज इस मोटर को चलाना है। उसके लिए हमें बीच बीच के दोनों एक करने होंगे। बाकी हम इसमें चार ही वायर निकालेंगे। मोटर के अंदर चार ही वायर निकालने चाहिए दोस्तों, कंडीशन वाइज मोटर के आरपीएम चेंज करने हो तो मोटर को खोल लेना पड़े। उसके बाद में तीन नंबर स्लीव लगाएंगे हम, रेड वायर हमने रनिंग में जोड़े दोस्तों। स्लीव दोस्तों हम एफ क्लास यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोटर हमेशा ज़्यादातर कनेक्शन पे से ही शॉर्ट होती है, तो स्लीव आपको अच्छी क्वालिटी की यूज करनी है दोस्तों। ये हमारा ब्लैक वायर जो कि हमने स्टार्टिंग कॉइल में ज्वाइंट किए हैं। दोस्तों कलर कोड का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पॉजिटिव कलर है आपको हमेशा रनिंग कॉइल पर ही देना है, जैसे कि रेड या ब्लू, वाइट। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों धागे से अच्छे से बांधेंगे, ताकि कनेक्शन करते वक्त छीलते वक्त हमारे कनेक्शन खिंचे नहीं, कनेक्शन को अच्छे टाइट से बांधना है दोस्तों। धागा कंप्लीट करने के बाद में वायर छील लेंगे दोस्तों। एग्जॉस्ट की मोटर में दोस्तों आपको कम से कम 0.75 mm
वायर लगाना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये हमारा टेस्टिंग लैंप है, मोटर की टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए सीरीज से रेड रेड बोलना चाहिए, ब्लैक से ब्लैक, क्रॉस ठीक है, क्रॉस भी नहीं है, ब्लैक से रेड नहीं बोलना चाहिए और बॉडी में अर्थिंग भी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस टाइप का ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल के मोटर वाइंडिंग हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।